सभी को नमस्कार, मैं शाश्वत मिश्रा, अपने एमएस न्यूज पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं जो है योगी जी का हेलीकॉप्टर खड़ा था, और कितने समय पहले खड़ा था, सिर्फ मात्र 1 घंटे पहले जो है कि उनका हेलीकॉप्टर यहीं से उड़ा है और उड़ के बनारस जाने की तैयारी किया है। तैयारी का मतलब वो उड़ने के लिए तैयार था और 8 बजे जो है चला गया है। कल जब योगी जी यहाँ मऊ में आए तो मऊ में आने के बाद जो है वातावरण जो है काफी विपरीत हो गया, बारिश होने लगी और आंधी तूफान का माहौल बन गया था। आंधी तूफान इतनी तेजी से आया ताकि उस समय जो है कि हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता था। उस वक्त यदि उड़ भी जाएगा तो क्रैश होने का चांसेस बनता था, तो इस वजह से जो है कि हेलीकॉप्टर से ना जाके उनको बाई रोड भेजा गया कार से। तो हेलीकॉप्टर जो है कल रात भर यहीं था और यहीं रहने के बाद जो है कि अभी 1 घंटे पहले जो है हेलीकॉप्टर यहीं से उड़ा है और उड़ के बनारस की तरफ गया है। देखिए जैसा दिखा दीजिए, एच लिखा हुआ है हेलीकॉप्टर। और योगी जी जब यहाँ से उतरे तो यहाँ से उतरने के बाद ठीक इसी रास्ते से पैदल होके इस तरह यहाँ से घूमते हुए वहाँ देखिए जो हमारे देश का झंडा दिख रहा है तिरंगा, वहीं पे गए और वहाँ पे जाके पहले उस तिरंगा नमन किए। नमन करने के बाद जो है वहाँ से गाड़ी में बैठे और अपने काफिले के साथ जो है कलेक्ट्रेट की तरफ चल दिए। तो इस वक्त देखिए आप सभी को दिखा रहा हूँ कि ये पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन में पत्रकारिता कर रहा हूँ, पुलिस लाइन में मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। और यहाँ वीडियो दिखाने का उद्देश्य सिर्फ मेरा यही है कि हम लोग आए हुए थे हेलीकॉप्टर को देखने, क्योंकि कल पानी की वजह से जो है, बारिश की वजह से जो है हेलीकॉप्टर यहाँ फंस गया था, लेकिन जब हम आए तो 1 घंटे पहले जो है हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ गया। और ये अगल बगल किसी को नहीं पता चला कि हेलीकॉप्टर उड़ा या नहीं उड़ा, इसलिए नहीं पता चला क्योंकि जो है साइलेंट वाला साइलेंसर लगा हुआ था, इस वजह से हेलीकॉप्टर न उड़ने की और न यहाँ लैंड होने की आवाज़ ज़्यादा आई, इस वजह से अगल बगल के लोगों को भी पता नहीं चल पाया। तो हम लोग आए हुए हैं, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि यहीं योगी जी कल अपने हेलीकॉप्टर के साथ उतरे थे और यहाँ से उतर के पैदल पैदल चल के वहाँ गए थे। वहाँ से जाने के बाद वहाँ जाके तिरंगे को नमन किए। नमन करने के बाद वहाँ गाड़ी लगी हुई थी, वो अपने गाड़ी में बैठे और काफिले के साथ जो है कलेक्ट्रेट की तरफ चल दिए। तो आप सभी से विदा लेना चाहूँगा, आगे की जो खबर होगी आप सभी से दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी इस वक्त योगी जी जो है बनारस में है और उनका हेलीकॉप्टर बनारस के लिए रवाना हो चुका है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, क्योंकि योगी जी का देखिए यही हेलीकॉप्टर था, ये हेलीकॉप्टर की जगह यही थी और बारिश के कारण जो है ये भर गया था, लेकिन आज बारिश नहीं है और हेलीकॉप्टर जा चुका है और यहाँ पानी भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।